जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा हलके में इस बार मुकाबला रोचक है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने इस बार खुद मैदान में न उतर कर बेटे रजत ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के चंद्रशेखर चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। रजत पिता के विकास कार्यों पर जनता के बीच में है और चंद्रशेखर सरकार की नाकामियों और परिवारवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 33 साल से महेंद्र सिंह ठाकुर धर्मपुर से जीत दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। चंद्रशेखर पिछले 3 चुनाव में लगातार हार का मुंह देख रहे हैं। इस बार रजत ठाकुर के मैदान में आने वाले समीकरण बदल गए हैं। टिकट मिलने के बाद उनकी बहन वंदना ठाकुर ने भी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन अब वो रजत के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह ठाकुर के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेता धर्मपुर में रैलियां कर चुके हैं। इसके विपरीत चंद्रशेखर अकेले प्रचार कर रहे हैं। लगातार हारने के कारण उनके लिए सहानुभूति भी इस बार दिख रही है। रजत जनता के बीच पिता के किए कामों को आगे बढ़ाने और धर्मपुर से किए गए उनके वादे को पूरा करने का हवाला दे रहे हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राकेश मंडोत्रा, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद्र और आजाद प्रत्याशी चंद्रशेखर सहित जनता के बीच सरकार की नाकामी और अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं।